ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। खबर बुरहानपुर से, जहां जिला परियोजना समन्वयक के अंतर्गत आने वाली सभी स्कूल के प्रधानाचार्य और हॉस्टल अधीक्षकों की कलेक्टर ने समीक्षा बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर भव्या मित्तल ने समस्याओं को लेकर जिला परियोजना समन्वयक व सभी स्कूल के प्रधानाचार्य को आदेशित किया कि किन किन स्कूलों में छात्र छात्राओं को गणवेश, पुस्तकें, साइकिल, लैपटॉप नहीं वितरित हुए हैं उन्हें वितरित किया जाए, साथ ही जिन शालाओं में ई लैब प्रारंभ किए गए थे उन्हें व्यवस्थित किए जाएं। उन्होंने पुस्तकालय को भी क्रियाशील करने की बात कही। वहीं जिला परियोजना समन्वयक उदय सिंह मोगरे ने अव्यवस्था की बातों से साफ इनकार किया। बैठक आयोजित की गई थी, बैठक नामांकन पर थी, यूडाइस पर थी, बच्चों के जो शाला त्यागी बच्चे उनके प्रवेश पर थी, और पिछले वर्ष की रिपोर्ट जो थी उस पर चर्चा हुई, हमारे जिले की रैंकिंग पर बात हुई। इस प्रकार से 9 से 10 बिंदुओं पर हमारे यहाँ चर्चा हुई। इस पर जिले में जो ICT लैब स्थापित हुए हैं वह संचालित हो, चालू हो, पुस्तकालय चालू हो, क्रियाशील हो, चालू तो रहेंगे ही लेकिन ये अभी क्रियाशील न है, इनके बारे में चर्चा हुई। और CO कलेक्टर मैडम ने निर्देश दिए कि जिले की स्थिति जो है एकेडमिक सुधार होना चाहिए, बच्चों को किताबें, गणवेश, साइकिल, ई स्कूटी वितरण पर भी चर्चा की गई। सर आपका नाम और पद? US मोंगरे, जिला परियोजना समन्वयक रामपुर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।